विरोधियों के लिए चपेड़ वर्गा है, तमाचे वर्गा है। विरोधियों हुण सिर चुके नहीं देख सकते, विरोधी हुण सिर चुके नहीं देख सकणगे। प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट दे विच कहा ते उन्होंने कहा कि लोकतंत्र दे लई इह जित दा दिन है, विरोधियों नूं देश तों माफी मंगनी चाहीदी है। विरोधी गठजोड़ नूं संविधान ते भरोसा ही नहीं है। बैलेट पेपर लुट्टण वालियां दे सुपने चकना चूर सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दे नाल हो गए। प्रधानमंत्री ने पार्टियां दा नाम लैंदे होए कहा कि RJD कांग्रेस राज दे विच बूथ लुट्टे जांदे सी, EVM हटाउण दी मुहिम चलाई जा रही सी। जिहड़ा तुहानूं दस दईए कि बहुत सारियां पटीशन पोलिंग जिहड़े हुंदे ने बैलेट पेपर उसनूं लैके ते नाल ही खास तौर ते पटीशन पाई गई सी सुप्रीम कोर्ट दे विच, जिहड़ी सुनवाई हो रही सी कि VVPAT अते EVM दोवां दा मिलान 100% कीता जावे। यानी कि जदों VVPAT जदों EVM दे विच कोई वोट पाई जांदी है तां VVPAT च इक परची निकल के आउंदी है और वह परची उत्थे है। तां मंग हो रही सी कि EVM दे विच जिन्नियां वोटां जिसनूं पईआं ने ते दूजे पासे VVPAT दे विच उन्नियां ही परचियां निकलियां होण, सिद्धे तौर ते मिलान कर दिता जावे और 100% होवे। हुण भी मिलान हुंदा है VVPAT ते EVM दा, पर बहुत सारियां थावां दे उत्ते थोड़ियां थावां दे उत्ते हुंदा, बिल्कुल 100% नहीं हुंदा। यानी कि रैंडमली कुछ बूथ या फिर कुछ हल्के चुने जांदे ने, उहनां दे विच जाके EVM ते VVPAT दीआं मशीनां दा आपस दे विच मिलान कीता जांदा। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों उस पटीशन नूं खारिज कर दिता गया जिस दे विच कहा गया कि 100% जिहड़ा इह मिलान होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने की कुछ किया तुहानूं सुनवाउने आ थोड़ी देर दे विच। पहला सुप्रीम कोर्ट दा फैसला की है असीं उसदा जिक्र करदे आ। इस मामले दे नाल जुड़ी हुई एक होर अहम खबर है, उसदा रुख कर लैने आ। VVPAT मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सारियां पटीशनां खारिज कर दित्तियां गईआं ने। अगली ब्रेकिंग तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते। VVPAT मामले विच सुप्रीम कोर्ट ने सारियां पटीशनां नूं खारिज कर दित्ता है। VVPAT अते EVM दा 100% मिलान नहीं होवेगा। 100% मिलान का मतलब यह है कि जे EVM दियां 100 मशीन ने, VVPAT दियां 100 मशीन ने, तो 100 दियां 100 मशीन से VVPAT दियां पर्चियां नूं नहीं मिलाया जाएगा। उही पहला वाला फॉर्मूला चलेगा रैंडमली कि कुछ का चोन कर लिया जाएगा, उन्होंने उत्ते ही जाके मिलान होगा। बैलेट पेपर तो वोटिंग वाली मंग भी खारिज कर दी गई। EVM 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाए, शिकायत के उत्ते EVM की जांच संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीयर कर दिता 7 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी, जांच का खर्चा उम्मीदवार को चुकना होगा और सिंबल लोडिंग यूनिट सील की जाए। अलग अलग मंगा ने, पर इस सब विचाले फर्ज कर लो कि किसी उम्मीदवार को इतराज़ होंगे कि जी EVM है इस दे विच कोई गड़बड़ी है, वोटा मैनू पै रही सी जा किसी होर के खाते दे विच रही सी, बहुत इल्जाम लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, जेकर तुहानू इस दे विच कोई दिक्कत लग रही है तो उसकी जांच करवाई जा सकती है, पर उसका जिहड़ा जांच का खर्चा है वह उम्मीदवार को चुकना होगा और 7 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी। ये नहीं कि तुसी 2 महीने बाद उठ के कहो कि साढ़े EVM च प्रॉब्लम सी, इस करके असी हार गए या इस करके सानू घट वोटा पईआं या ये हल्के चा होया। हाँ, जेकर किसी नूं कोई प्रॉब्लम है या कोई लगता है कि कोई खर्चा है तो फिर वो जाके शिकायत कर सकदा। वो किसी भी पार्टी का हो सकता, चाहे सत्ता धिर होवे, चाहे विरोधी धिर होवे, कोई भी पार्टी होवे, जेकर उन्हें लगता है कि हाँ EVM दे विच कोई गड़बड़ी है या सी, तो फिर वो फौरी तौर पर शिकायत कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर शिकायत करनी होगी। हुण गल प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री विरोधियों के उत्ते वार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर प्रधानमंत्री ने तंज कसे विरोधियों के उत्ते ते कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विरोधियों के उत्ते चपेड़ वर्गा है। प्रधानमंत्री ने की किया है, उसने माना गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को EVM की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है कैसे भी करके EVM हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने EVM को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए,
बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दो घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है, आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए, मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। तब वीवीपैट के नाम के उत्ते खूब सियासत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो प्रधानमंत्री का बयान तुसी सुनिया। वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर 100% मिलान नहीं होगा। हुण अगे वधदिआं ते गल होवेगी दूजे फेस की वोटिंग की, लोकसभा चोणां दे लई दूजे गेट की वोटिंग जारी है। 13 सूबिआं दीआं 88 सीटां दे उत्ते वोटां पै रहीआं ने और 1 बजे तक दे अंकड़े आ चुके ने, जिस दे विच त्रिपुरा सब तो अगे इस समय नजर आ रहा है। त्रिपुरा ते मणिपुर दे विच करीब 54% तो वध वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र दे विच वोटिंग की रफ्तार सुस्त है, वोटिंग की रफ्तार पहले गेट दे विच भी महाराष्ट्र दे विच सुस्त नजर आ रही थी और दूजे गेट दे विच, क्योंकि वख-वख सीटां, टोटल 48 सीटां ने महाराष्ट्र दीआं, और थोड़ी जी तुसी कह सकते हो कि सुस्त नजर आ रही है। महाराष्ट्र दे विच सब तो घट 31.77% पोलिंग हुई है हुण तक, और यूपी दे विच 35.73% वोटिंग हुई है, और छत्तीसगढ़ दे विच 53.09% पोलिंग हुई है। राहुल गांधी सने कई वड्डे चेहरियां दी किस्मत दा फैसला इस गेट दे विच हो रहा है। तुहानू दिखा रहे हां असीं वख-वख तस्वीरां, 10 तस्वीरां तुसी देखो जिहड़े वड्डे चेहरे नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने, साबका सीएम ने राजस्थान दे, और वसुंधरा राजे ने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। ओम बिड़ला कोटा राजस्थान तो, जोधपुर राजस्थान तो, गजेंद्र शेखावत, ये सारे HD दे विगौड़ा केंद्रीय मंत्री जिहड़े हैगे ने बेंगलुरु कर्नाटक दे विच वोट हक का इस्तेमाल करते नजर आए। निर्मला सीतर रिमन KC वेणुगोपाल उन्होंने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया, कुछ इस तरीके वख-वख थावां दे उत्ते जी वोटिंग परसेंटेज की कुछ है वह भी तुम दस रहे हैं। तो नाल इस समय खूब रुझान देखने को मिल रहा है, खास तौर पर तुम कह सकते हो मणिपुर से त्रिपुरा के काफ़ी रुझान है और बढ़ चढ़ के लोग वोट कर रहे हैं।
तो पंजाब दे विच भी लाजमी तौर पर सानू सारयां दे इस दिन का इंतजार है। जिस तरीके नाल अज महाराष्ट्र दे विच राजस्थान उत्तर प्रदेश दीयां कुछ सीटां दे उत्ते वोटिंग हो रही है तो लाजमी तौर पर पंजाब भी इंतजार कर रहा है और पंजाब का इंतजार जो 1 जून खत्म होएगा। करीब करीब एक महीना अजे भी इनफैक्ट एक महीने तो ज्यादा का समा पंजाब दे विच बाकी है और उस तो बाद ही साफ होएगा कि पंजाब ने किस दे हक च वोट की और लास्ट फेस होएगा 1 तरीक नूं वोटां ते फिर 4 तरीक नूं नतीजे जिहड़े रिजल्ट ने वह आपां जाणदे हां कि सारयां दे इकट्ठे ही अनाउंस किए जाएंगे। असीं तुहानूं दिखा रहे हैं 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जिहड़ा साडे कोल आया असाम दे विच 46.31% वोटिंग परसेंटेज आया। बिहार दे विच भी कोई बहुत ही तेज़ रफ्तार नहीं है। HD दे विगौड़ा जदों पहुंचे ने वोट हक दा इस्तेमाल करन दे लई वह तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। बिहार च 33.80%, छत्तीसगढ़ दे विच 53.09% वोटां पईयां ने 1 बजे तक। जम्मू कश्मीर दे विच 42.88% वोटां पईयां ने।